हेलो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द बायोलॉजी ऑफ 9th क्लास. सो इन 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 3rd इज गोइंग ऑन. इन चैप्टर 3rd टुडे वी विल टीच यू अ नेक्स्ट क्लास फिशीज. इससे पहले आपने पढ़ा था साइक्लोस्टोमेटा और टुडे वी विल टीच यू अबाउट द फिशीज क्लास. देखिए क्लास फिशीज क्या है. फिशीज का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं मत्स्य, मछली वाला क्लास. मछली को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे मत्स्य. तो फिशीज क्लास फिशीज को बोलते हैं वर्ग मत्स्य. ठीक है, अब देखिए इसके, देखिए कैरेक्टर्स फीचर्स क्या होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं. दीज आर फिश, ये कैसा होता है, फिश होती है ना. जो फिशीज क्लास में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे फिश होते हैं, फिश से रिलेटेड होते हैं, फिश ही होते हैं. ठीक है, फिशीज क्लास में जो भी एनिमल्स आते हैं वो सारे फिश होते हैं. लिखा है इसीलिए दीज आर फिश. कैसे होते, फिश होते हैं. दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक और पूरी तरह से कैसे होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स जलीय. ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स जलीय जीव होते हैं, क्योंकि फिश की बात हो रही है तो फिश तो एक्वाटिक होती है, इसलिए जितनी तरह की फिश है वो क्लास फिशीज में आती है. देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स या प्लेट्स. इनकी स्किन जो है ना स्केल्स या प्लेट से कवर्ड होती है. फिश के ऊपर इस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है, देखिए ऐसे ये स्ट्रक्चर इस तरह से फिश के ऊपर होती है ना. ये स्ट्रक्चर स्केल्स कहलाती है. क्या कहलाती है, स्केल्स, स्केल्स कहलाती है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर स्केल्स कहलाती है. तो ये स्केल्स कहलाती है. तो देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स या प्लेट्स. इनकी स्किन जो है ना स्केल्स या प्लेट्स की बनी होती है. नेक्स्ट है, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स. अपने गिल्स के द्वारा, देखिए हमको और आपको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है. हम और आप ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फिश की बात हो रही, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है. वो ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको, ऑक्सीजन को वो इनटेक करते हैं किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा. गिल्स को हिंदी में बोलते हैं गलफड़े. ठीक है, तो वो अपने गलफड़े के द्वारा वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उनको भी चाहिए होती है. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है. अब ऑक्सीजन है वाटर में, इसलिए वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है. वही लिखा है, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स के द्वारा. ओके, द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड. और इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड. स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है धारारेखित. हिंदी होती है इसकी धारारेखित. धारारेखित मतलब धारारेखित इसलिए होती है क्योंकि ये वाटर में होते हैं तो वाटर को, पानी को काटने का काम करते हैं. ठीक है, वहाँ पर मूवमेंट करते हैं तो वाटर को काटने का काम करते हैं. स्ट्रीमलाइंड बॉडी के द्वारा ही वाटर को ये काटने का काम करते हैं. तो द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड अ मस्कुलर टेल. और एक टेल कैसी होती है, मांस की बनी हुई टेल होती है. ठीक है, इज़ यूज फॉर मूवमेंट. और जिसको वो क्या करते हैं, टेल को मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, है ना. मस्कुलर टेल होती है, इज़ यूज फॉर मूवमेंट, जिसको मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. ठीक है, ठंडा इनका जो है ना ब्लडेड ब्लड होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. एंड दे हार्ट हैव ओनली 2 chambers. और इनका हार्ट कितने चैम्बर होता है, 2 chambers. हार्ट 2 chambers होता है, है ना. फिशीज जो है उनका हार्ट कितने चैम्बर होता है, 2 chambers होता है. अनलाइक द फोर दैट ह्यूमंस हैव. ह्यूमन का हार्ट 4 chambers होता है, उसकी तरह नहीं होता है, लेकिन इनका हार्ट कैसा होता है, 2 chambers होता है. ठीक है, ह्यूमन की तरह नहीं होता है, ह्यूमन का 4 chambers होता है. और इसका फिशीज का हार्ट कैसा होता है, 2 chambers होता है. ओके, दे ले एग्स. ये क्या करते हैं, जो फिशीज होती हैं एग्स को ले करते हैं, अंडे देते हैं. ठीक है, जितने भी फिशीज हैं अंडे देते हैं. वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड ऑफ फिश. हम कई तरह की फिश के बारे में सोच सकते हैं. सम विथ स्केलेटन, कुछ ऐसी होती हैं जो कंकाल के साथ में होती हैं. मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज, जो पूरी तरह से कार्टिलेज की बनी होती है. कार्टिलेज एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बॉडी की स्ट्रक्चर होती है. तो कुछ फिश ऐसी होती हैं, सम विथ स्केलेटन, जो कंकाल के साथ में होती हैं.
मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज, जो पूरी तरह से कार्टिलेज की बनी होती है, जैसे सच एज सार्क फिश एंड सार्क फिश, ये पूरी तरह से कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। एंड सम विथ अ स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज, कुछ ऐसी होती है जो बोन और कार्टिलेज दोनों से बनी होती है, कुछ फिश ऐसी होती है जो बोन और कार्टिलेज दोनों से बनी होती है, ऐसी फिश सच एज टूना फिश और रोहू फिश, इसको रोहू फिश भी बोलते हैं, रोहू मछली, ठीक है। तो ये था क्लास स्पीसीज के बारे में, क्लास स्पीसीज के बारे में जो हमने आपको क्या आपने क्या पढ़ा, दीज आर फिश, इसमें फिश आती हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक एनिमल्स, पूरी तरह से जलीय होते हैं, कैसे होते हैं एनिमल्स, जलीय होते हैं, और साथ ही साथ में देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल, स्किन जो होती है वो सल्क से ढकी हुई होती है, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाई यूजिंग गिल्स, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं गिल्स के द्वारा, द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बॉडी धारा रेखित होती है, एंड अ मस्कुलर टेल, और मस्कुलर टेल होती है जो मूवमेंट में यूज की जाती है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एंड दे आर हार्ट हैव ओनली टू चैम्बर, हार्ट जो होता है टू चैम्बर होता है, अनलाइक द फोर दैट ह्यूमंस हैव, ह्यूमन की तरह नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन का हार्ट फोर चैम्बर होता है, दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं, वी कैन थिंक ऑफ मेनी काइंड ऑफ फिश, हम बहुत तरह की फिश के बारे में सोच सकते हैं, सम विथ स्केलेटन्स, कुछ स्केलेटन के साथ में होती हैं, मेड पूरी तरह से एंटायरली मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज, जो पूरी तरह से कार्टिलेज की बनी होती है, ऐसी फिश को सार्क बोलते हैं, और सम विथ अ स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज, कुछ ऐसी होती है जो बोन और कार्टिलेज की बनी होती है, ऐसी फिश को रोहू फिश या टूना फिश कहते हैं, ओके। सो दिस इज क्लास फिशेज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।